लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेक्शन नंबर ITC मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बोला था, और इसमें मैंने तीन सेक्शन आप लोगों को बताए थे, दो सेक्शन, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। आज हमको सेक्शन 18 to 21 सब खत्म करने हैं, लेकिन ढंग से सुने। सेक्शन 18 कहता है स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस में ITC कैसे ली जा सकती है। सेक्शन 16 ने हम लोग को बताया था एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, सेक्शन 17 ने बताया था ITC और एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, ठीक है ना। और आज हमसे बताना है कि स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस में ITC का क्या होगा। सर, स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस का मतलब क्या है, यहां पर सुन लो। अगर कोई बंदा नॉन टैक्सेबल से टैक्सेबल में जा रहा है, या एग्जेम्पशन से टैक्सेबल पोजीशन में चला जा रहा है, या कंपोजिशन से टैक्सेबल पोजीशन में आ जा रहा है, या टैक्सेबल से कंपोजिशन स्कीम में चला जा रहा है, या टैक्सेबल से एग्जेम्पशन में चला जा रहा है, तो हम लोग ITC का क्या करेंगे और कैसे करेंगे। इनपुट्स में जो शामिल होंगी रॉ मटेरियल के, फिनिश गुड्स में जो शामिल होगा ITC उसका क्या करेंगे, और कैपिटल गुड्स में शामिल होगा उसका क्या करेंगे। सर, समझ में नहीं आई बात, तीनों क्या है और क्यों है। हमसे कहा गया, सुन लो, ITC का मतलब क्या होता है। होल सोल एक ही कंसेप्ट है। नॉर्मली जो मेजर पार्ट होता है ITC का वो गुड्स और सर्विसेज में ही होता है। मेजर पार्ट या तो गुड्स होते हैं या तो सर्विसेज होते हैं। अब जब हम पहले कंपोजिशन में थे तो गवर्नमेंट ने कहा था तुम ITC नहीं ले सकते। लास्ट सेशन मैंने बताया था कि आप ITC नहीं ले सकते, और ITC नहीं ले सकते तो इट मींस कि जो भी हम सामान खरीद रहे थे और उस पर जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे ऑफ कर रहे थे, दैट वाज द 100% पोर्शन रिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, मींस आई वाज नॉट एबल टू गेट द क्रेडिट देयर ऑफ। हाँ, है ना। ऑन द अदर साइड आई वॉज पेइंग अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट बाय सेलिंग और आउटवर्ड बाय सप्लाइंग द आउटवर्ड सप्लाई। जब हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे थे तो उस पर हम 5% 2% टैक्स लेकर गवर्नमेंट को वो भी पे कर रहे थे। जो हमने खरीदते समय सर्विसेज लेते समय जो गवर्नमेंट को पे किया, दैट इज एक्स्ट्रा, वो तो गया ही गया गवर्नमेंट के पास। जो अब हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो तो क्रेडिट मिलेगी नहीं, और साथ साथ कुछ और लेकर के गवर्नमेंट को देना, हिसाब किताब खत्म। दैट वॉज द सिस्टम ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो हमने कुछ स्टॉक खरीदा, अब चाहे रॉ मटेरियल खरीदा, मेरे पास फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ है जिस पर मैंने ITC दी हुई है, इनपुट टैक्स दिया हुआ है, सॉरी, खरीदते समय टैक्स दिया हुआ है। अब मैं कंपोजिशन में था, लेकिन अब मैं कंपोजिशन से किस में आ रहा हूं, टैक्सेबल सिस्टम में आ रहा हूं। और जब मैं टैक्सेबल सिस्टम में आऊंगा तो इसका मतलब अब मैं एलिजिबल हो गया क्रेडिट लेने के लिए। तो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है वो मैं बेचूंगा नहीं क्या? क्या उस पर टैक्स नहीं दिया है क्या मैंने? तो क्या उसकी क्रेडिट मुझे मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? बस ये है स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस। जो कैपिटल गुड्स मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी और बिल्ड चीजों पर पड़ा हुआ है इनपुट टैक्स, क्या मुझे अब उस पर क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? उसी के लिए है स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस। इसका उल्टा भी कर सकते हो कि पहले मैं किस में था, टैक्सेबल में, अब किस में जा रहा हूं, कंपोजिशन में। तो जो मेरे पास स्टॉक वगैरह पड़ा है उसका हम ITC लेते थे, लेकिन अब हम उसके लायक नहीं है। तो जितना भी ITC है भैया, अगर क्रेडिट ले चुके हो तो जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका पैसा गवर्नमेंट को पहले दे दो, क्योंकि उसका तुम क्रेडिट नहीं ले सकते थे। लेकिन तुमने क्रेडिट अगर ले ली है और स्टॉक तुम्हारे पास पड़ा हुआ है जबकि तुमको नहीं लेना चाहिए था, तो भैया उतने का क्रेडिट तुमको गवर्नमेंट को पे ऑफ करना पड़ेगा। और पे ऑफ करने के बाद मान लो, अब पे ऑफ कैसे भी कर सकते हो, चाहे क्रेडिट लेजर का यूज करके, चाहे कैश का पेमेंट करके। अगर क्रेडिट लेजर में नहीं होगा तो कैश उतना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कैश लेजर से। और अगर मान लो ITC इनपुट टैक्स बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट का वो रिवर्सल करने के बाद कि भैया हम नहीं लेंगे क्रेडिट, क्रेडिट अभी भी पड़ी हुई है, हो सकता है वो लैप्स कर जाएगी। क्या कर जाएगी? दोनों सिचुएशन समझ में आई, क्योंकि अब तो हम क्रेडिट ले नहीं सकते। अच्छा, इसी तरह तुम्हारा एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल, टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट, अब समझ में आया। पहले हमारी जो सप्लाई थी वो पूरी तरह टैक्सेबल थी, लेकिन अब पूरी तरह से, पहले हमारी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट थी, अब पूरी तरह से, तो हमारा ये सिचुएशन, ये स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस हैं। अगर हम अपने बिजनेस का सेल्स कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, हाँ या ना, तो मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, मैं अपने बिजनेस को तुमको बेच रहा हूं, मैं अपने बिजनेस को तुमको सेल कर रहा हूं,
मर्ज कर रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं अपने बिजनेस को तुम्हारे बिजनेस के साथ, तो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ उसका इनपुट टैक्स है, उसकी क्रेडिट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? अरे जब बिजनेस सेल हो रहा है तो क्रेडिट कैसे लोगे? तो नए बंदे के पास जानी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए क्रेडिट, क्योंकि अब तो वो सामान को बेचेगा, तो क्रेडिट ट्रांसफर करने का सिस्टम यह है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब समझ में आई बात? क्लियर है? इन्हीं के बारे में डील करेंगे, ढंग से सुनेंगे, और बहुत आसान है, कहीं कोई टफ नहीं रहेगी सिचुएशन। कहता है सेक्शन 18, एप्लीकेबल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, नंबर वन, आईटीसी ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ इनपुट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। पहले मैं थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर था, किसमें था, यानी मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं थी, मैं माल खरीदता था, बेचता था, जीएसटी में चार्ज ही नहीं करता था, क्योंकि मेरी सेल्स बहुत कम थी। अब मेरी सेल अचानक एक दिन ऐसा हुआ बढ़ गई और थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गई। अब थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गई तो ना आई एम नीडेड टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सिस्टम। अब मैंने 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, कहा गया जिस दिन आप लाइबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए उसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देते हैं तो आपको जब भी रजिस्ट्रेशन मिले, लेकिन क्रेडिट आपको उस दिन से मिलनी शुरू हो जाएगी जिस दिन से आप लाइबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, हाँ या ना? तो इसका मतलब जिस दिन मैं लाइबल हो गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, उस दिन अगर मेरे पास स्टॉक में कुछ सामान था तो क्या मुझे अब उसकी क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, उसी के बारे में बोल रहा है। कहता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल टू रजिस्ट्रेशन एंड हैज बीन ग्रांटेड बी इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट। वही चीज बोला है कि पहले सुन लो, मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है, मैं रजिस्ट्रेशन के लायक नहीं था। जब मैं रजिस्ट्रेशन के लायक ही नहीं था तो जो मैं सामान खरीदता था, टैक्स देता था, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता था, क्रेडिट मुझे मिलती नहीं थी, वो मेरी लाइफ कॉस्ट बन जाती थी। लेकिन अब मैं रजिस्ट्रेशन के लायक बना हूं, अगर मैं नॉर्मल टैक्स पेयर बन गया हूं तो मुझे क्रेडिट मिलनी चाहिए। जो सामान मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ है उसकी क्रेडिट मुझे अब मिलनी चाहिए, उसके लिए बोल रहा है। तो जो सामान आपके पास स्टॉक में रखा हुआ है, इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, तो इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट गुड्स, उसमें कैपिटल गुड्स शामिल नहीं है। इनपुट्स कंटेंड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, यानी कि WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, तो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स तीनों, और लास्ट ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकेम लायबल टू पे टैक्स अंडर द प्रोविजन। मैंने वही तो बताया, जिस दिन वो लायबल था रजिस्ट्रेशन के लिए उस दिन से उसको क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो जाती है, भले ही उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद मिला हो। अगर उसने 30 दिन के अंदर सही तरीके से अप्लाई कर दिया है तो उसको उसी दिन से आईटीसी मिलना स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से वो रजिस्ट्रेशन करने के लायक था, जिस दिन उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया था, उसके एक दिन पहले। आज मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया तो कल रात वाला जितना भी रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स रहा होगा, उस पर मुझे आईटीसी मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए, हाँ या ना? पक्की बात है। ही बिकेम, तो कहता है शैल बी entitled टू टेक, ये देखो लिखा हुआ है, शैल बी entitled टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स तीनों के मामले में। मिस्टर एक्स इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, एग्जाम्पल दिया है, क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन 1st October, मिस्टर एक्स हैव स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल 20 lakh ऑन विच ही पेड GST ऑफ ₹2 lakh, गॉट द रजिस्ट्रेशन 30th October। 1 अक्टूबर को उसने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दी, 30 दिन के अंदर अप्लाई करना था, लेकिन इसको 30 दिन के अंदर तो सर्टिफिकेट ही मिल गया है, तो इसका मतलब 1 अक्टूबर को जो स्टॉक उसके पास ओपनिंग रहा होगा सुबह सुबह, उस पर सारा का सारा जीएसटी आईटीसी क्रेडिट मिल जाएगा उसका, यानी 2 lakh अगर उसने टैक्स पे किया था, शैल बी अवेल टू आईटीसी ऑफ ₹2 lakh। कहता है मिस्टर एक्स इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड हैव क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑन 1st October। मिस्टर एक्स हैव स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 20 lakhs ऑन विच ही पेड जीएसटी ऑफ ₹2 lakh। हमने ना 1 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन करा, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि उस दिन मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई थी, और उस समय मेरे पास स्टॉक था 20 लाख रुपए का, जिसपे जीएसटी मैंने ऑलरेडी पे ऑफ कर रखा था 2 लाख रुपए का।
नाउ मिस्टर एक्स गॉट द रजिस्ट्रेशन बाय 30th अक्टूबर, यानी 30 दिनों के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही मिल गया। इसका मतलब अप्लाई उसने सही समय पर किया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर उसने सही समय पर अप्लाई कर दिया था 30 दिनों के अंदर, तो जिस दिन उसने को अप्लाई कर देना चाहिए था, यानी 1st अक्टूबर ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, उस दिन जितना भी उसको स्टॉक होगा बुक्स में उस पर उसको क्रेडिट मिल जाएगा वापस। तो विल बी एलिजिबल टू अवेल ITC ऑफ ₹2,00,000। नेक्स्ट है ITC ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ इनपुट इन केस ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। जब ना मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराता हूं, क्या कराता हूं? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराता हूं अपने मन से, इच्छा पर, मतलब आई एम नॉट बाउंडेड टू गेट द रजिस्ट्रेशन, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं। बावजूद इसके अगर मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूं, तो कहा गया जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलता है, बिकॉज आई वॉज नॉट लाइबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन, तो वो मेरे ऊपर 30 दिन वाला सिस्टम नहीं लगता। तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके एक दिन पहले रात में जो आपके पास स्टॉक पड़ा होगा उसकी क्रेडिट आप ले लो। तो कहता है अ पर्सन हु टेक्स रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3), यानी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, शैल बी टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP एंड फिनिश गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? पक्की बात है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, पक्का ना? अब हम वो सिस्टम बता रहे हैं जो मैंने आते ही आज समझाए थे। अभी तक ये था कि हम थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गए, उसके लिए दो सिस्टम आते हैं, यहां वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। दूसरा, अगर मैं टैक्सेबल पर्सन में जाता हूं नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम से, तो हमारे पास जो इनपुट और कैपिटल गुड्स पड़ा रहेगा, देखो अभी तक जो मैंने बताया थ्रेशोल्ड लिमिट, वहां कैपिटल गुड्स की बात ही नहीं हुई थी, जरा देखो तो केवल इनपुट की बात हुई थी, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। हाँ या ना? पक्की बात है। लेकिन अब हम लोग जो बात करेंगे साथ ही साथ कैपिटल गुड्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, अगर हमारा स्विच ओवर हुआ है कंपोजिशन से नॉर्मल में। अब कंपोजिशन से नॉर्मल में हुआ है तो बट ऑब्वियस मैंने रजिस्ट्रेशन तो पहले से करवा रखा होगा, हम केवल स्विच ओवर कर रहे हैं। कंपोजिशन में अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, इसका मतलब कि हम डिटेल भले बुक्स ऑफ अकाउंट ना बना रहे हूं, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में तो जितनी भी एसेट्स वगैरह खरीदी होंगी वो दिखाई होंगी। हाँ या ना? GST के इनवॉइसेस होंगे मेरे पास। पक्की बात है ना? अब तो क्लियर है, मेरे पास GST के इनवॉइसेस होंगे जो कैपिटल गुड्स के हैं, और चूंकि मैं रजिस्टर्ड बंदा था, ऐसा नहीं है कि मैं नॉन रजिस्टर्ड था। ऊपर तो ये बात हुई कि आप अनरजिस्टर्ड थे, रजिस्टर्ड में आ रहे थे, इसमें आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, बट यू आर स्विचिंग ओवर प्लान फ्रॉम द कंपोजिशन टू द नॉर्मल। इट मींस ईच एंड एवरी रिकॉर्ड वॉज विद यू एंड यू आर अंडर द रिजिम ऑफ द GST सिस्टम। अच्छा, कहता है वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। अगर वो रजिस्टर्ड था और सेक्शन 10 में से हट रहा है, यानी कंपोजिशन में से हट रहा है, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ किसका किसका, इनपुट, WIP, फिनिश गुड्स, ऑन कैपिटल गुड्स ऑल्सो। नई चीज आई, अब यहां कैपिटल गुड्स भी शामिल हो गया, ऑन द डेट, सेम वही चीज है भाई। अब किसमें था मैं, कंपोजिशन से, रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना, तो कंपोजिशन से मैं नॉर्मल में आ रहा हूं, तो कंपोजिशन वाले दिन जब मैं खत्म हो रहा था कंपोजिशन से नॉर्मल में, उस दिन जितना भी स्टॉक या कैपिटल गुड्स होगा उसका ITC मैं अवेल करने लगूंगा। पहले तो नहीं कर पाता था, अब मैं करने लगूंगा। ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही बिकेम लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9, मींस अ रेगुलर डीलर की तरह, प्रोवाइडेड दैट द क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वो परसेंटेज पॉइंट की कैलकुलेशन के हिसाब से 5% पर क्वार्टर, वो देखा जाएगा बाद में, ठीक है ना? रूल्स में हम लोग पढ़ेंगे इसको, पक्की बात है। कहता है मिस्टर एक्स वॉज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन ऑन 10th अक्टूबर, हिज टर्न ओवर क्रॉसेज 150,00,000। ओके, क्रॉस कर गया, कंपोजिशन से बाहर निकलना है उसको, रेगुलर में आना है। सो ही स्विच्ड ओवर टू द रेगुलर डीलर ऑन द सेम डेट ही हैज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल WIP, जिस पर उसने 2,00,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जिस दिन वो स्विच ओवर कर रहा है कंपोजिशन से नॉर्मल में, तो उस दिन उसके पास 20,00,000 रुपए का स्टॉक था, जिसपे उसने 2,00,000 रुपए IGST का पेमेंट किया हुआ है, अब उसकी वो क्रेडिट ले लेगा ITC। इज इट क्लियर? पक्का ना? टफ नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो टफ नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट, ITC नी ऑन एग्जम्प्ट सप्लाई बिकम टैक्सेबल। पहले क्या था, कंपोजिशन यानी बिना टैक्स से टैक्स वाले में गए, अभी भी हम बिना टैक्स से टैक्स वाले में जा रहे हैं, एग्जेम्प्ट,
और एग्जेम्प्ट का मतलब है वेयर एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाई रजिस्टर्ड पर्सन, अंडरलाइन कर लेना रजिस्टर्ड, यानी भले ही वो 100% एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हो लेकिन वो रजिस्टर्ड था, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट की नजरों में था, यानी सारे रिकॉर्ड उसके मेंटेन किए जाते होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एन हाउ किसी भी तरह वो गवर्नमेंट के जीएसटी रिजर्व या उसके सिस्टम में था। तो कहता है वो रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स अ टैक्सेबल सप्लाई, जो उसकी एग्जेम्प्ट सप्लाई थी गुड्स और सर्विसेज की, वो क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। सच पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश्ड गुड्स कैपिटल गेन, सॉरी कैपिटल गेन का कैपिटल गुड्स, लेकिन इसके आगे देखो एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सच एग्जेम्प्ट सप्लाई। दो मिनट के लिए छोड़ दें, है क्या इसमें, ऐसे समझ लो कि पहले कोई सामान में कैपिटल गुड्स था, मैंने कहा ना हमने सामान खरीदा टैक्सेबल बिजनेस के लिए, नॉन बिजनेस वाला अलग करो, जो बिजनेस में है उसमें कुछ टैक्सेबल और कुछ एग्जेम्प्ट, यही तो था। अब एग्जेम्प्ट नॉन टैक्सेबल भी आता है, निल रेटेड भी आता है, उसके लिए मैं यूज कर रहा था। और मैंने कहा था जब हम इसके बाइफर्केशन की बात करते हैं ITC के, तो हम लोग को रूल 42-43 देखना पड़ेगा, ये मैंने बताया था। तो रूल 42-43 में कैसे बांटते, चलो वहां पर तो वो चीज थी जहां पर एक ही सामान दोनों में यूज होता है, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल दोनों में, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों में, तब वहां पर प्रोपोर्शन वगैरह कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग रूल 42-43 में देखते हैं। लेकिन अगर कोई कैपिटल गुड्स पूरी तरह से यूज होता था किसमें, एग्जेम्प्ट में, कहता है ऑन कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज फॉर सच एग्जेम्प्ट सप्लाई, जिसका स्पेशल यूज होता था, एक्सक्लूसिवली यूज होता था एग्जेम्प्ट सप्लाई में, उसकी कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, उसी पर तो क्रेडिट लेनी है। अच्छा, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे फ्रॉम द विच द सप्लाई बिकम टैक्सेबल, और कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गुड्स पर, वो पॉइंट परसेंटेज के बेसिस पर वो हम लोग देखेंगे। इज इट क्लियर? तो कैपिटल गुड्स पर जैसे डेप्रिसिएशन लगता है ना, ITC के केस में हर साल वही पॉइंट डिक्रीज होता है उसका, पर क्वार्टर 5%, पर क्वार्टर 5%, पर क्वार्टर 5%, वो देखेंगे हम लोग। टाइम लिमिट फॉर टेकिंग क्रेडिट ऑफ ITC, कुछ भी कह लो ना, कुछ भी कह लो, इनवॉइस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, उस डेट से लेकर कोई भी इनवॉइस होगा, सुन लो, मैंने तुम लोग को ये बताया, अगर आपकी सुनो जनवरी में अगर आपकी क्रेडिट रह गई थी लेने से ना, आप फरवरी में ले सकते हो, फरवरी में छूट गई जनवरी की तो मार्च में भी ले सकते हो, मार्च में छूट गई जनवरी की तो अप्रैल में ले सकते हो, अरे अप्रैल में छूट गई जनवरी की तो अगस्त में ले सकते हो, 30 सितंबर तक बोला था कुछ ऐसे मैंने, याद आया ना। लेकिन मान लो मई 2020 है, कौन सी डेट है उसका, कोई ITC लेना रह गया तो मई का जून में, जून का जुलाई में, या मई का जुलाई में, मई का अगस्त में, मई का सितंबर, मई का अगस्त, मई का नवंबर, मई का जनवरी, जनवरी का कब तक ना, 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर ये 12 महीने से अधिक नहीं हो सकता। अब तो वो जनवरी वाला एग्जांपल दिया था एक दो सेशन पहले, लेकिन अब यहां पर ये याद रखो मैं मई वाला सेशन दे रहा हूं, मई वाला, मई 2020, तो मई 2020 का 12 महीने के आगे नहीं जा सकता ITC लेने के लिए, आप किसी भी इनवॉइस की क्रेडिट किसी भी कीमत पर 12 महीने से आगे नहीं ले जा सकते, वो तो जनवरी वाला सितंबर तक तो 9 महीने में ही कवर हो गया था, इसलिए वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई थी, बात समझ में आई? तो यहां पर क्या है, क्योंकि 12 महीने से अधिक हो जा रहा है तो 12 महीने से ज्यादा वैलिडिटी नहीं रहेगी ITC की किसी भी इनवॉइस पर। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मई 2020 का पड़ा हुआ है सितंबर 2021 तक ले सकते हैं, ठेंगा, 12 महीने के अंदर लेना है फ्रॉम द डेट। अब आते हैं, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बोथ ऑफ हिम, बोथ टू हिम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस रिलेटिंग टू सच सप्लाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चल सकते हैं आगे, तो दोनों चीजें याद रखना, ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, सेल, मर्जर, डिमर्जर, एमलिगेशन, एक्सेट्रा। चले, तो वही चीज है, ये तो मैंने आते ही कहानी बताई दी, सेल और मर्जर के पास वो ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन उसके लिए पूरे रूल्स बने हुए हैं। आप ऐसे ही स्टॉक का जो ITC है वो दूसरे बिजनेस को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मेरे पास ITC खड़ी है, मेरे में इलेक्ट्रॉनिक लेजर में पड़ा हुआ है पैसा, अब मैं उसको किसी को ट्रांसफर करना चाहूं सेल मर्जर के केस में, एमलगमेशन के केस में, क्या कर सकता हूं? हां कर सकते हैं, लेकिन उसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो कहता है वेयर देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, एमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस
with the specific provision for transfer of liability, the said registered person shall be allowed to transfer the ITC which remain unutilized in his electronic credit ledger. Cash ledger के बारे में नहीं बोल रहा मैं, मैंने कहा ना जो credit पड़ी हुई है, अच्छा सेल मर्जर के वो ट्रांसफर हो जाएगी एज मे बी प्रेस्क्राइब. तो यहाँ पर रूल्स आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप ट्रांसफर भी कर पाएंगे. प्रोविजन पूरा फॉलो करना पड़ेगा पक्का. नेक्स्ट, आईटीसी रिवर्सल ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इनपुट्स कैपिटल गुड्स ऑन स्विचिंग टू कंपोजिशन स्कीम और एग्जेम्प्ट सप्लाई वेयर एनी. अब यहां पर क्या कह रहा है, पहले हम टैक्सेबल थे, अब क्या हो गया कंपोजिशन में जा रहे हैं. पहले हम टैक्सेबल थे, अब किस में जा रहे हैं एग्जेम्प्ट में जा रहे हैं. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अब तक हम कंपोजिशन में थे टैक्सेबल में जा रहे थे, एग्जेम्प्ट में थे टैक्सेबल में जा रहे थे. अब हम कंपोजिशन में हैं, टैक्सेबल हैं, अब हम कंपोजिशन में जा रहे हैं, टैक्सेबल हैं, एग्जेम्प्ट में जा रहे हैं. अब समझ में आई बात. तो कहता है वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ आईटीसी ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर बोथ सप्लाइड बाय हिम बिकम होली एग्जेम्प्ट. ठीक है ना, बाय वे ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इक्विवेलेंट. और सबसे लास्ट लिखा है प्रोवाइडेड दैट आफ्टर पेमेंट ऑफ सच अमाउंट द बैलेंस ऑफ आईटीसी इफ एनी लाइंग इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल लैप्स. जो मैंने बताया ना, अरे बच गया तो भी तो तुम कंपोजिशन में आ गए, तो कहां से क्रेडिट ले पाओगे, वो तो लैप्स हो गया. तुम तो एग्जेम्प्ट में आ गए, भले ही रखा हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, लैप्स हो गया बेटा. समझ में आई बात, किस किस पर इनपुट स्टॉक इन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक WIP फिनिश गुड्स कैपिटल गुड्स और उसके परसेंटेज पॉइंट के बेसिस पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा. जिस दिन ऐसा हम एक्सरसाइज करते हैं उस दिन, या जिस दिन से ऐसा एग्जम्पशन हुआ उस दिन. ठीक है, फिर बोलूं कि या ना बोलूं, समझ में आया. चलो पॉइंट नंबर 6 से सीधे चलते हैं, 5 को छोड़ दो. कहता है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट और मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, अंडरलाइन कर लेना. अगर हम कैपिटल गुड्स की सप्लाई करते हैं, मेरे पास कोई मशीन है उसको हम बेच रहे हैं, मशीन है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं, जिस पर हमने आईटीसी ले रखा है. शेड्यूल याद होगा, नहीं याद होगा छोड़ देते हैं अभी. ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे एन अमाउंट टू इक्वल टू. अब क्या था, जैसे ही मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा, मैंने लास्ट सेशन में तुम लोग को 2 करोड़ की कैपिटल गुड्स मैंने खरीदी, 56 लाख रुपए मैंने गवर्नमेंट को दिया था. चलो वही एग्जाम्पल पिक करते हैं, मैंने 2 करोड़ की कोई कैपिटल एसेट खरीदी और उस पर मैंने 56 लाख गवर्नमेंट को इनपुट टैक्स दिया था और बाद में मैंने उसकी पूरी क्रेडिट ले ली. जो अपना फिनिश गुड्स मैंने बेचा होगा मार्केट में, पूरी क्रेडिट ले ली, 56 लाख का 56 लाख. लेकिन उसके बाद कुछ एक साल बाद मैंने उस कैपिटल गुड्स को बेच दिया, तो इसका मतलब मैंने तो गलत किया. वो 56 लाख का क्रेडिट लेकर के, वो 56 लाख का क्रेडिट लेकर के, इसका मतलब गवर्नमेंट को नुकसान हुआ. हाँ या ना, हमने पूरी आईटीसी ले ली. अब कैपिटल गुड्स किसी को भी बेची हो, मेरी बात समझना, हो सकता है किसी पर्सनल बंदे को बेची थी जो उसका यूज बिजनेस में नहीं करेगा, पर्सनल यूज नहीं करेगा, कहाँ यूज करेगा, गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया. मैंने एसी खरीदा कि बिजनेस में लगाया, आईटीसी ले लिया, अगले दिन बेच दिया, किसको, घर को अपने. अब बोलो गवर्नमेंट को तो नुकसान, ऐसे ठेंगा दिखा दिया मैंने, जबकि गवर्नमेंट कहती है पर्सनल एसेट वगैरह गुड्स पर आपको आईटीसी नहीं मिलता है, तो हमने तो ठेंगा दिखाया. अब जितना हमने आईटीसी लिया है, पूरा नहीं, उसका कैलकुलेशन करके कैपिटल गुड्स का परसेंटेज पॉइंट के बेसिस पर, जितना दिन यूज किया उतना आईटीसी ले लो बेटा, जितनी वैल्यू का एसेट यूज किया उसका आईटीसी ले लो, जितना नहीं किया उतना गवर्नमेंट को अब तुम्हें पे करना पड़ेगा. द रिवर्स करो या पे करो, द इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन ऑन द सेड कैपिटल गुड्स ऑन प्लांट एंड मशीन रिड्यूस बाय सच परसेंटेज पॉइंट द टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स अंडर सेक्शन 15 विच एवर इज हायर. दो चीजों से कैलकुलेट करो, पहला कैपिटल गुड्स को परसेंटेज पॉइंट से उसकी वैल्यू निकालो, उस पर जितना टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को पे ऑफ करो, या दूसरा ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालो, नॉर्मल सेक्शन 15 के हिसाब से. क्या निकालो, ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालो सेक्शन 15 के हिसाब से, उस पर टैक्स का कैलकुलेशन करो, जो दोनों में से अधिक होगा टैक्स उसका गवर्नमेंट को दे दो, जिस पर अधिक टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट को दे दो. क्लियर हुआ, पक्की बात है. सेक्शन 19, ये सेक्शन 18 में सुन लो, हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा,
थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट से हम टैक्सेबल बने। दूसरा हमने क्या पढ़ा? वॉलंटरी, वॉलंटरी कितनी अच्छी बात है। पहले हम थ्रेशोल्ड लिमिट में गए, क्रॉस कर गए, हम थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं गए लेकिन हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वॉलंटरी हो गया। तीसरा मैंने बताया कंपोजिशन से टैक्सेबल या टैक्सेबल से कंपोजिशन, कंपोजिशन से टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल। उसके बाद हमने क्या बताया? टैक्सेबल से कंपोजिशन या टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट। लेकिन बीच में एक चीज छूट गई तुम्हारी, ये लास्ट वाला तो कैपिटल गुड्स का ट्रांसफर था, बीच में सेल मर्जर, हाँ है ना, उन दोनों के बाद वही था, तीन पॉइंट के बाद वो फोर्थ वही था, ठीक है ना, पक्की बात है, याद आ गया सब। 19th पर आते हैं, इस आईटीसी ऑन जॉब वर्क, जॉब वर्क के आगे लिख लेना रीड विद रूल सेक्शन 143। तो अभी तो हम 143 नहीं पढ़ा रहे, अभी हम नहीं पढ़ा रहे, हम केवल डायरेक्ट पढ़ाएंगे जो दिया हुआ है आईटीसी। सेक्शन 143 होल सोल जॉब वर्क के सिस्टम पर एप्लीकेबल होता है। प्रिंसिपल और जॉब वर्कर को डिफाइन करेगा, प्रिंसिपल से जॉब वर्कर में सामान कैसे जाता है और जॉब वर्कर उसका कैसे यूज करता है, उसको वापस कब करता है, कब तक कर देना चाहिए, और प्रिंसिपल उसको फिर मार्केट में सेल करता है। अब देखो कहानी में 5 मिनट केवल इसके पीछे पूरा ओवरव्यू फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। हुआ ये कि मैं प्रिंसिपल हूँ, तुम मेरे जॉब वर्कर हो, मैं प्रिंसिपल हूँ और तुम जॉब वर्कर हो। मैंने सामान खरीदा, कुछ मैंने प्रोसेसिंग की और इस पेन की पैकिंग करने के लिए मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। अब चाहे सेम स्टेट में, चाहे दूसरे स्टेट में, चाहे सेम सिटी में, चाहे दूसरी सिटी में, तुम्हारे पास वो सामान पहुंचा, इट डजंट मीन कि नाउ यू विल बिकम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और दैट गुड्स। यू विल डू द ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम एंड आफ्टर ट्रीटमेंट और प्रोसेस यू विल रिटर्न इट बैक टू मी। ये पहला हो सकता है। दूसरा, हमने सामान खरीदा लेकिन मैंने बेचने वाले को कहा सामान मेरे पास आएगा फिर मैं जॉब वर्कर के पास भेजूंगा, एक काम करो सीधे जॉब वर्कर को दे दो, तो आईटीसी कौन लेगा, मैं या वो? हम लेंगे, हम मालिक हैं हम लेंगे, हम का होता है तुम जॉब वर्कर हो, हम लेंगे, हम का मतलब हम सब मिलकर लेंगे, केवल मैं लूंगा, ठीक है ना, जो ओनर होगा। अच्छा, अब देखो सामान तुम्हारे पास पहुंचा तो भी ये मान लिया जाएगा यस जॉब वर्कर का सिस्टम है, ठीक है ना, आईटीसी मैं ही लूंगा। अगर वो गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है, तो तुम्हें उस सामान को 180 दिनों, एक साल के अंदर अंदर, कितने साल के अंदर अंदर हमको वापस कर देना है ट्रीटमेंट और प्रोसेस करके, ये नहीं रखे रहो, कितने साल के अंदर, मैक्सिमम एक साल का समय दिया गया। दूसरा सिस्टम ये होता है, मैंने कैपिटल गुड्स खरीदी, मैंने क्या खरीदी, और मेरे यहां उस सामान पर ट्रीटमेंट होता है, आधा बना फिर बाकी आधे के लिए मैंने तुम्हारे पास भेज दिया, तुमने एक साल के अंदर वापस कर दिया। मैंने कैपिटल गुड्स खरीदी लेकिन मेरा उस पर कोई काम नहीं है, काम तो तुम्हें उस पर करना है, भले ही तुम जॉब वर्क करो लेकिन तुम्हें कैपिटल गुड्स मैंने डायरेक्ट भिजवा दी, या मैं पहले लू फिर तुम्हारे पास भेजू। अब कैपिटल गुड्स तुम्हारे पास गई तो आईटीसी कौन अवेल करेगा, मैं, क्योंकि मैं तो ओनर हूं। और वो कैपिटल गुड्स तुमको ऐसा नहीं तुम्हारी हो गई, वो ट्रीटमेंट और प्रोसेस के लिए मैंने दे रखी है, 3 साल के अंदर अंदर तुमको वापस करनी है, कितने साल के अंदर। इस तरह से अगर तुमने 1 साल के अंदर सामान वापस नहीं किया मुझे, सुन, या 3 साल के अंदर कैपिटल गुड्स वापस नहीं की, तो मान लिया जाएगा कि ये गवर्नमेंट को चूना लगाने के लिए था, ये तो बेसिकली सेल थी, ये तो बेसिकली क्या थी, सप्लाई थी, तो जो भी आईटीसी मैंने लिया होगा उसको हमें पे ऑफ करना पड़ेगा, रिवर्सल का सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगा वहां। जब सामान वापस आ जाएगा वापस मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 4th ईयर में सामान आया तो फिर मैं अपनी क्रेडिट वापस ले लूंगा जो रिवर्सल हुई थी या पे ऑफ की थी। अब चले, ये पूरी कहानी है इसमें आईटीसी से रिलेटेड। पहला कहता है द प्रिंसिपल शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन बी अलाउड आईटीसी ऑन इनपुट सेंड टू अ जॉब वर्कर। मैं सामान खरीदता हूं, मैं तुम्हारे पास सामान भेज रहा हूं बनने के लिए, तो जो सामान मैंने खरीदने पर इनपुट टैक्स दिया था उसकी क्रेडिट मैं ही लूंगा, पहला यही बोल रहा है। चले आगे, सिंपल है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 16B, 16(2)(b) क्या था,
सामान आ जाना चाहिए, रिसीट हो जाना चाहिए, टैक्स इनवॉइस आना चाहिए, डेबिट नोट आना चाहिए और गुड्स रिसीव्ड होना चाहिए। जरूरी कहाँ है, मैंने अभी यहाँ बताया कि अगर मैं गुड्स ना रिसीव करके डायरेक्ट तुम्हारे यहाँ भेजवा दूँ तो भी तो मान लिया जाएगा गुड्स मेरे पास आया। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट प्रिंसिपल शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक, तब भी मैं ITC ले लूंगा। जो सामान मैंने तुम्हारे यहाँ डायरेक्ट भेजवा दिया उस पर भी मैं ITC लूंगा। इफ द इनपुट्स आर डायरेक्टली सेंट टू अ जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क विदाउट फर्स्ट बींग ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस, इज इट क्लियर? पक्की बात है। वेयर द इनपुट सेंट फॉर जॉब वर्कर आर नॉट रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल, अगर मुझे वो सामान वापस नहीं आता है और वो किसके सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 143, मैंने कहा ना डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कितने साल के अंदर आ जाना चाहिए, वन ऑफ ईयर बींग सेंट आउट, एक साल के अंदर सामान आ जाना चाहिए। इट शैल बी डीम्ड दैट सच इनपुट हैड बीन सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर ऑन द डेट व्हेन द सेड इनपुट वेयर सेंट आउट, इट शैल बी डीम्ड दैट सच इनपुट हैड बीन सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर, कब तक, ऑन द डे व्हेन द सेड इनपुट वॉज सेंट आउट, ये मान लिया जाएगा एक साल के अंदर आ जाना चाहिए था सामान, नहीं आया तो एक साल पहले जब मैंने तुमको सामान भेजा था माना जाएगा उसी दिन सप्लाई होगी, तो भैया आप इंटरेस्ट वगैरह के साथ पैसा दो, गवर्नमेंट को चूना लगाने की कोशिश मत करो, क्लियर है? प्रोवाइडेड दैट वेयर द इनपुट्स आर सेंट डायरेक्टली टू अ जॉब वर्कर द पीरियड ऑफ वन ईयर शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दैट इनपुट बाय द जॉब वर्कर। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं सेम यही कहानी तुम लोग को पढ़नी है, जानते हो किसके बारे में, कैपिटल गुड्स के बारे में। एक साल के बजाय क्या हो जाएगा, प्रोविजन यही पढ़ने हैं, मोर और लेस यही लाइनें लिखी रहे। द प्रिंसिपल सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रेस्ट्रिक्शन बी अलाउड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गेट सेंट टू अ जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। तो हमें क्रेडिट मिल जाएगी, प्रिंसिपल को मिल जाएगी कैपिटल गुड्स पर जो मैंने तुम्हें जॉब वर्क के लिए भेजा है। कहता है द प्रिंसिपल शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट इफ द कैपिटल गुड्स आर डायरेक्टली सेंट टू अ जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क विदाउट बीइंग फर्स्ट ब्रॉट इन हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। डायरेक्टली भी मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, सेम वही लाइनें लिखी है, कॉपी पेस्ट। अगर 3 साल के अंदर ये कैपिटल गुड्स वापस नहीं आती हैं, शैल बी डीम्ड दैट सच कैपिटल गुड्स हैड बीन सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर ऑन द डे व्हेन द सेड कैपिटल गुड्स वेयर सेंट आउट, उसको सप्लाई मानकर अब आपको टैक्स की कैलकुलेशन करना पड़ेगा 3 साल पहले जा करके। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कैपिटल गुड्स आर सेंट डायरेक्टली टू अ जॉब वर्कर द पीरियड ऑफ 3 ईयर शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, जब से जॉब वर्कर को वो मिला, डायरेक्ट अगर मैंने भेजा है जॉब वर्कर के पास तो 3 साल। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत? सेक्शन 18 स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गए, सेक्शन 19 हमारा जॉब वर्क का हो गया ITC, सेक्शन 20 की बात करते हैं ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना? कहानी सुन लो, क्योंकि इसमें रेशियो वगैरह प्रोपोर्शन के बारे में केवल लिखा हुआ है और कहोगे तो बता ही देंगे किस तरह से रेशियो निकलता है, लेकिन अभी हमें लगता है उतनी ज़रूरत नहीं है। तुम लोग केवल इतना समझना है कि मैं हेड ऑफिस हूँ, तुम ब्रांच ऑफिस हो, मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, मैं दिल्ली हूँ, मुंबई है, बैंगलोर है, अलग अलग स्टेट हो गए सब, सूरत हो गया, अलग अलग स्टेट में सब है। अब मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, मैंने ये सॉफ्टवेयर बेसिकली मैं हेड ऑफिस हूँ, मैं मैनेज या कंट्रोल करने का काम करती हूँ, मैंने वो सामान खरीदा और बेसिकली आई विल नॉट यूज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर विल बी यूज बाई ऑल ऑफ यू, कंट्रोलिंग पर्पज, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, या कोई ऐसी सर्विस लेना एडवर्टीजमेंट जो सब ब्रांचेस के लिए जाएंगे अलग अलग। तो अब बिल तो मेरे नाम से बनेगा, बिल तो एक बंदे के नाम से बनेगा, लेकिन उसका एक्चुअल में यूज तुम लोगों ने किया, किसने किया, तुम लोगों ने किया, तो क्रेडिट तो तुम लोगों को मिलनी चाहिए भाई। जबरदस्ती क्रेडिट नहीं ना मिल जाएगी, जब मैं सामान को अपने यहां यूज ही नहीं कर रहा हूं, सामान मैं बनाता ही नहीं हूं, तो क्रेडिट किस चीज पर मिलेगी मुझे? अल्टीमेटली द गुड्स आर टू बी सप्लाइड बाई ऑल ऑफ यू, तो इट मीन्स दैट क्रेडिट मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। जेन्युइन केस है। अब वो क्रेडिट तुम लोग को ट्रांसफर होगी किस बेसिस पर होगी, उसी को ही बताया गया है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्ट्रेशन अलग से कराना पड़ता है ISD के लिए, किसके लिए,
याद होगा जीएस, अगर रिटर्न तुम लोगों ने पढ़ा हो तो एक जीएसटीआर भी पढ़ाया था उसके लिए, आईएसटी के लिए। हाँ ठीक है, तो वहां अलग से उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जब अलग से रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पर फिर उसको अलग से इनवॉइस भी बनानी पड़ती है। मान लो मेरे नाम से इनवॉइस बनी, अब मैं फिर से तुम लोगों के नाम से इनवॉइस बनाऊंगा और वो सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तुम लोगों के ऊपर, और केवल इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मैं काम करूंगा, इनपुट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर का काम नहीं हो रहा। बात समझ में आई? द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स एज सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स। यानी मैं जो सीजीएसटी का तुम लोग को क्रेडिट दूंगा, या तो सीजीएसटी के तरह दूंगा या तो आईजीएसटी की तरह दूंगा, क्योंकि तुम लोग दूसरे स्टेट में हो। तो इंटीग्रेटेड टैक्स को या तो आईजीएसटी की तरह दूंगा या तो फिर सीजीएसटी की तरह दूंगा, इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक, बाय वे ऑफ इशू ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग, तो वही डॉक्यूमेंट मैंने बताया ना कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और मुझे तुम लोग को डॉक्यूमेंट के साथ सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा विद क्रेडिट अमाउंट ऑल्सो, जो इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट होता है ना उस अमाउंट को दिखाते हुए आपको देना पड़ेगा। आईएसटी में डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, द क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेसिपियंट ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट अ डॉक्यूमेंट। तो बिना डॉक्यूमेंट के आप क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हवा हवाई नहीं। अच्छा तुम 40% ले लो, तुम 30% ले लो, तुम 10-20% ले लो, ऐसे नहीं, 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 ऐसे नहीं कर सकते। हाँ या ना, तो उसके लिए रूल्स बने हुए हैं सिस्टमैटिक तरीके से। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट। अब लेना था 5 लाख का क्रेडिट, 6 लाख का बांट दिया, ऐसे कैसे? 5 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकता। जितने की क्रेडिट मिली है उस सर्विस पर, उससे ज्यादा क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन आईएसटी इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू रेसिपियंट ऑफ क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूट ओनली टू द रेसिपियंट। तुम एक्चुअल में रेसिपियंट हो सर्विस के तो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब बात समझ में आई? तुम उस सर्विस का यूज भी नहीं करोगे और मैं तुम्हें क्रेडिट दे दूं केवल देने के पर्पज से, वो नहीं काम करना है। बात समझ में आई? अब हुआ क्या, सुनो, इस ब्रांच के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है, उसके ऊपर टैक्स लग ही नहीं रहा। मैंने क्या किया, सारा आईएसडी इसी को मांट दिया। जब उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनी नहीं रही है तो वो क्रेडिट लेकर करेगा क्या? नहीं समझे, मैंने सब इसको दे दिया। मैंने कहा तुम ही क्रेडिट ले लो, हवा हवाई नहीं हो सकता। जो जिसके लिए जितना रिस्पॉन्सिबल या लाइबल है, जिसका जितना राइट बनता है उतना ही क्रेडिट लेगा, चाहे उसका क्रेडिट बचा हो पेमेंट के लिए ना बचा हो। मींस गवर्नमेंट को पे ऑफ करना है नहीं करना, आप इसमें टैक्स प्लानिंग या टैक्स इवेजन नहीं कर सकते। द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू मोर देन वन रेसिपियंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सच रेसिपियंट टू होम द इनपुट सर्विस इज एट्रीब्यूटेबल एंड सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी प्रो रैटा ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर। किसके बेसिस पर? पक्की बात है, कैसे है ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं वो प्रो रेटा नहीं बताना हूं। ये पूरा फॉर्मूला आगे लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ सच डिवाइडेड बाय फलाना एंड ढिमाका। अभी हम उसको छोड़ देते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस समय फिर ये फॉर्मूला हम तुमको समझाएंगे, वो अच्छी तरह समझ में आएगा। डेटा सामने रहेगा तो हम लोग का दिमाग खुलेगा। ठीक है, ये बता दें, छोड़ देते हैं, फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले की तरह ही यूज करेंगे। और तुम लोग को ये बताने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूला तुम लोग खुद क्रिएट करोगे। द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड, छोड़ देते हैं ये भी। बात समझ में आई? और इसमें मैं देखो, मैंने रेलिवेंट पीरियड पर बार बार बोल्ड लेटर्स लिखे हैं, ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। आईएसडी के लिए पूरा अलग टॉपिक चलता है, पूरा अलग टॉपिक चलता है, इतने छोटे में हम इसको खत्म नहीं कर सकते। जॉब वर्कर पर पूरा एक सेशन चलता है बकायदा, इतने छोटे में खत्म नहीं कर सकते। हम आपको जॉब वर्क बताएंगे सेक्शन 143 में, फिर वही चीज़ बताएंगे, 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए, 3 साल के अंदर आ जानी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। ठीक है, तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें वहाँ कवर अप होंगी। इन द सेम वे जब हम आईएसटी के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा एक सेशन जाएगा वहाँ पर, आईटीसी आपका ये फॉर्मूला वगैरह आप खुद बनाना सीख जाओगे। लेकिन पहले सेक्शन 17-18 से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर लें। नहीं समझे? सेक्शन 17 और 18 से रिलेटेड जब एकदम दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा क्रेडिट लेने से रिलेटेड, उसके बाद जब हम 19 और 20 को करेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 21 एक मिनट लगेगा, जरा सुन लो। सेक्शन 21 कहता है जो हम लोगों ने एक्सेस क्रेडिट ले लिए ना, देखो ना, अंडरलाइन कर लेना पहले लाइन को, वेयर द आईएसटी डिस्ट्रीब्यूट्स, अंडरलाइन जरूर कर लेना, वेयर द आईएसटी डिस्ट्रीब्यूट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट्स द क्रेडिट इन कंट्रावेंशन। तो मैंने कहा ना, मेरी मर्जी नहीं चल सकती बांटने में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जेन्युइन होना चाहिए, लेकिन मैंने ना कानून को ताक पे रख करके तुम लोगों को वो सर्विस गलत तरीके से बांट दी, तो भैया रिकवरी होगी, क्या होगी?
सेक्शन 72, सेक्शन 73, सेक्शन 74, ये डिमांड वगैरह वहां पर जनरेट हो जाएंगी। सेक्शन 73, 74 में डिमांड वगैरह पढ़ोगे तुम लोग, तो अगर गलत तरीके से ले लिया है तो वहां डिमांड जनरेट होंगी, नोटिसेज वगैरह आएंगी, इंटरेस्ट के साथ हमको पे ऑफ करना पड़ेगा और रिकवरी होगी। इज इट क्लियर? केवल गवर्नमेंट को आप मूर्ख नहीं बना सकते। दैट इज द कंप्लीशन ऑफ ऑल द सेक्शंस विच वेयर रिलेटेड टू योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सबसे टफ माना जाता है ये चैप्टर। अभी हमें नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई प्रोविजन ना समझ में आया हो, ऐसा तो नहीं लगता। समझ में आया? जब हम बोलते हैं ना खत्म हो गया, तो कुछ चमक आ जाती है चेहरे पे। मतलब अजीब तरह की वो चमक दिखने लगती है। अब तक ये थम का बोर कर रहे हैं, है कि नहीं? और जब खत्म होने का नाम लेते, मतलब वो खुशी मिलती है कि चलो जान छोड़ी। अरे हमसे जान छुड़ाने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम से जान छुड़ाओ। हाँ चलो, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन से सबसे पहले अपने न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करेंगे। पक्की बात है ना? रूल्स हम रेलिवेंट पोर्शन ही डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्या करेंगे? रेलिवेंट पोर्शन ही डिस्कस करेंगे। मान लो रूल 42, 43 तो अच्छी तरह से समझाएंगे, बाकी जो रूल्स आएंगे जो रेलिवेंट पोर्शन होगा उतना ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब इतना डिटेल में चाहोगे, जिस तरह मैंने यहां बेयर एक्ट पूरा आपको समझाया, उस तरह से सोचो रूल नंबर 41, 42, 43, 46, 45 ये हम समझाएंगे तो वो पॉसिबल क्यों नहीं है? मींस टाइम ज्यादा लेगा और आपको बोर करेगा ये चैप्टर, थोड़ा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, पढ़ने में अजीब लगने लगेगा। नहीं, जब न्यूमेरिकल के साथ अटैच करके रूल्स को चलेंगे तो बहुत आसानी के साथ खत्म भी होगा। थैंक यू बच्चों।